और वो तंदूर के नीचे से देख रहा है कि ये कैसे जल रहा है। क्या देख रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, मैं शेमेर ज़ादा आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये बड़ी मुख्तलिफ किस्म की चोरी है। हर साल 21 मार्च को हमारे यहाँ एक मेला होता है और उस मेले में जो शिरकत करने वाले लोग हैं वो होते हैं जो यहाँ से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से सेवन शरीफ जो कि सिंध में है, लाल सखी शहबाज कलंदर एक बुज़ुर्ग हैं, उनके मज़ार पर जाते हैं और रास्ते में जो है वो अपना स्टे करते जाते हैं और जहाँ पर वो स्टे करते हैं वहाँ पर जो एक मेला होता है और हमारे यहाँ भी उनका स्टे होता है जो तुलुम्बा हमारा टाउन है वहाँ पर। और जब वो कल 21 है और आज 20 की शाम को उन्होंने यहाँ से गुजरना है, हमारे घर के सामने से, हमारे गांव में से वो गुजरते हैं, मुख्तलिफ जमातों में वो लोग जो हैं वो यहाँ से गुजरते हैं, तो हम जो है वो उनके लिए एक ख़ास किस्म की चूरी बनाते हैं और वो उसका जो रेसिपी है वो भी एक डिफरेंट तरीके से है, बड़ी ख़ास किस्म की वो चूरी है। कब से बनाते आ रहे हैं ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मैंने जब से होश संभाला है मैं वो खा भी रहा हूँ, बना भी रहा हूँ, बांट भी रहा हूँ और फिर हम उन लोगों में वो चूरी बांटते हैं। तो सबसे पहले जो है वो चूरी किस तरह से बनाई जाती है वो आपके साथ शेयर करता हूँ और उसके बाद फिर बांटने चलेंगे। लेकिन बनते बनते रात हो जाएगी, बनाने का तरीका तो देख लेते हैं ना कैसे बनती है। होती बहुत मज़ेदार है, मेरी फेवरेट है वो। ये रेसिपी बनाने के लिए आज मेरे साथ ईमान है जो मेरी हेल्प कर रही हैं। और ईमान क्या कर रही हैं? ये जो है वो हमने गंदम के दानों से बनाया है, इसे हम डाला कहते हैं या करूर कहते हैं, मतलब कि ये आटा बिल्कुल पीसते नहीं है, ये मोटी मोटी करूर कर देते हैं। और हमने क्या करना है जी, करूर को ये है हमारे पास छननी और इस छननी में जो है ना हमने छान लेना है और जो थोड़ी सी बारीक करूर होगी उसका हमने बनाना है। हमने जो है ना इस करूर का आटा गूंदना है, हमने इसमें घी डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस आटे में जो है वो हमने नमक और थोड़ा सा घी जो है वो मिक्स कर लिए और अब इसको हमने गूंदना है। आटा जो है वो हमने गूंद लिया है और अभी इसकी बनानी है रोटियां। चची जान जो है वो आटा गूंद रही हैं और मैं जला रहा हूँ तंदूर, क्योंकि आटा गूंदने के बाद तंदूर पे हमने लगानी है रोटियाँ, इसलिए जो है वो टाइम भी थोड़ा है हमारे पास, तंदूर जला लिया जाए। तंदूर जल चुका है हमारा। तो हमारी जो है वो रोटियां तैयार हो गई हैं माशाल्लाह। तो हमने उस आटे से जो है वो रोटियां बना ली हैं और अभी जा रहे हैं तंदूर पर क्योंकि इनको अब पकाना है। यहाँ पर रखते हैं ये सारी जो है वो, एक दफ़ा ही हमने जो है वो रोटियां बना ली हैं और अब इनको तंदूर पे लगाएंगे, इनको पकाएंगे और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस चूरी बनाने का। ये बड़ी मुख्तलिफ किस्म की चूरी है। चचा जाद बहन का बेटा आया हुआ है अदनान, क्या कहता है साइड पर हो जाओ और वो तंदूर के नीचे से देख रहा है कि ये कैसे जल रहा है। अदनान, हमने 6 माह बाद जो है वो तंदूर जलाया है और अभी लग रही हैं रोटियां इसके अंदर। माशाल्लाह हमारी रोटियां तैयार हो गई हैं और इस तरह से ये रोटी बनी है। एक रोटी हमने उतार ली है और ये ऐसे नहीं खानी, कैसे खानी है इसकी बनानी है हमने चूरी। कैसे बनाते हैं थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बाकी रोटियां भी बन रही हैं और ये वाली हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसको कूटना है, कूट कर हम जो है ना इसको बारीक बारीक बना लेंगे पाउडर की तरह, क्योंकि पाउडर तो नहीं बनेगा लेकिन बारीक हो जाएंगी ये। ये हमने गरम गरम को कूटना है, अगर ये थोड़ी सी भी ठंडी होगी तो बस गई फिर गेम। इस तरह से हमने जो है वो रोटियों को कर लेना है बारीक। आप देखिए यहाँ पर आजकल मक्खियों का राज है, दिन में मक्खियाँ और रात में मच्छर बहुत तंग करते हैं, बाकी जो है वो
रोटियां पड़ी हैं उनको भी ब्रीक कर लेंगे। तो इसकी हम कुटाई कर कर इसको लेके आ गए कमरे में। अभी जो है ना हम इसको अच्छे से मसल लेंगे और मसल के जो है ना वो बिल्कुल पाउडर बन जाए, जो चीजें रह गई हैं इसमें इस तरह के। ये बन रही है चूरी, देखते हैं कैसी बनती है। तो जब आप खाते हैं ना चूरी, तो वो जो मोटा दाना मुंह में आता है तो वो बिल्कुल मजा नहीं करवाता, ये ब्रीक ब्रीक जब बनेगी ज्यादा मजा करवाएगी। इसलिए जो है ना पहले हमने इसको अच्छे से कूटा है और कूटने के बाद ब्रीक कर लिए, और अभी जो थोड़ी बहुत कसर रहती है वो हाथों से मसल के इसको ये देखिए बिल्कुल ब्रीक हो गया। तो अभी हम आ गए हैं चूल्हे पर और चूल्हे में आग जला रही है और अभी क्या करना है देखते हैं क्या करना है। तो कढ़ाई जो है वो हमने चूल्हे पर चढ़ा ली है और अभी हम इसमें डाल रहे हैं जी देसी मक्खन, देसी घी है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो देसी घी था वो हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल रहे हैं चीनी। तो अब हम इस घी में जो है वो चीनी डाल रहे हैं, शुगर डालने के बाद इसको हिलाना है और इसकी वो जो मैं कहता होता ना पत बनानी है, हमने शीरा बनाना है। डालने ऊपर से पानी, बच के रहना है। देसी घी को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, अच्छे से गर्म करने के बाद हमने उसमें डाल दिया चीनी और पानी मिक्स कर दिया है। अब इसका बनेगा शीरा और शीरे के बाद क्या करेंगे, इंतज़ार इंतज़ार करते हैं। वो उबलना शुरू हो गई है और अभी हम इसमें डाल रहे हैं सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा हम इसमें डाल देंगे जी। ये हमारा शीरा अच्छे से बन चुका है और अब हमने डालना है ये जो हमने बनाया था, क्या बनाया था, रोटियां जो हमने बनाई थी और उसका बनाया था फिर बाद में पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये जा रहा है वो वाला पाउडर और हिलाना है अब इसको। ज़्यादा हिल गया कुछ, तो हमारी चूरी जो है वो तैयार होने के करीब है। माशाल्लाह ये बनी वैसे हलवे की तरह, लेकिन जो इसका टेस्ट है ना वो आउटस्टैंडिंग होता है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट इसका होता है। और जो ज़ीरा है वो तो कमाल ही कर देता है, ज़ीरे का जो जायका इसमें ऐड होता है। और कुछ लोग जो वो रोटी वाली चूरी बनाते हैं उसकी तरह इसका जायका बिल्कुल नहीं होता, इसका एक अलग ही जायका है। कभी बना के ट्राई करके खाइएगा फिर बताइएगा कितनी ज़बरदस्त बनती है, मेरी तो ये फेवरेट है जी। माशाल्लाह हमारी चूरी जो है वो तैयार हो चुकी है और खाना चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए बस। तो अभी हम चूरी जो है वो लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह हमारी चूरी जो है वो हमारे सामने आ चुकी है और चेक करते हैं बनी कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो वाला मीठा है जितना खा लें दिल नहीं भरता, कुछ लोगों को मीठा पसंद नहीं होता ना वो कम खाते हैं, लेकिन ये इस मीठे का टेस्ट ही कुछ अलग है।